तो फ्रेंड्स, ये हमारी नाइट्रोजन है, ऑटो वर्ल्ड इक्विपमेंट्स। ये नया मॉडल अभी हम लोगों का आया हुआ है, हम लोगों ने बनाया हुआ है, नया मॉडल है ये। आप देख पा रहे हैं, ये सेम मशीन ऐसी आएगी। इसको इंस्टॉल कैसे करना है और इसके साथ सामान क्या क्या आएगा, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं इसके इनलेट की। इसमें एक FRL आएगा, ये आपका FRL है, और ये एक बॉल्ब है, मेन बॉल्ब, सेफ्टी बॉल्ब एक्चुअली इसको बोल सकते हैं। जब आपको हवा की ज़रूरत है तो आप खोल सकते हैं। ये जो मेन पाइप है, ये 1/2 इंची की थ्रेडिंग में रहता है, आप इसको ऐसे वॉल्व में कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो FRL आप देख रहे हैं, इसको लगाने के लिए हमने यहाँ पे बाजू में एक कनेक्शन दिया हुआ है, जो कि इनलेट रहता है, और यहाँ पे ये हैंग होता है FRL। अब ये पाइप लगाने के लिए आप देख पाएंगे कि FRL में ऑलरेडी एक बॉल्ब लगा हुआ है, इसमें लग जाता है पाइप। अभी हम लगा के भी आपको दिखाएंगे। और इसके अलावा एक इसका इनलेट इन्फ्लेशन पाइप है, जो कि QRG वाला है, ये क्विक कपलिंग में है। बस इसको आपको कुछ नहीं करना है, ये पाइप उठा के जो है सिर्फ यहाँ पे ये पाइप ऐसे लग जाता है, ये आप देखेंगे, इसको पीछे करेंगे और ये पाइप लग जाएगा। ये पाइप ऐसे लग गया। ऐसे ही इसका एक पावर केबल रहता है इसके साथ। और अभी हम आपको दिखाएंगे कैसे ये सब लगाना रहता है। ये आप देख पा रहे हैं, देखिए ये हैंग हो गया है इधर, ये आप नट देख पा रहे हैं। अभी हम इसकी फिटिंग के लिए बताएंगे। जैसे ये है, इसको हमको खोलना रहेगा, और ये जो है आप इसमें पाइप में डालेंगे। देखिए, ये इसके अंदर लग चुका है। अब हम आपको बताएंगे कि इसमें, देखिए ये बहुत इजीली लग जाता है, बस इसको आपको ऐसे चढ़ाना है। और चढ़ाने के बाद इसको किसी भी स्पैनर से, ये 16 या 17 के स्पैनर से कस जाता है। ये स्पैनर आप लगाएंगे तो ये टाइट हो जाएगा। इसको अच्छे से टाइट करना है। अब ये देख पा रहे हैं आप, जैसे ये कनेक्ट हो चुका है, और ये मेन बॉल्ब है, कंप्रेसर से इसको खोलेंगे तो अब हम आगे दिखाएंगे आपको। ये आप देख पाएंगे कि कंप्रेसर का प्रेशर बढ़ चुका है। इसमें दो प्रेशर रहते हैं, एक एयर प्रेशर रहता है और एक N2 प्रेशर रहता है। तो दोनों प्रेशर दिखाएगा, और अब साथ में मैं आपको दिखाता हूँ, ये हम पावर केबल प्लग करेंगे। पावर केबल प्लग करने के बाद मेन स्विच से ऑन करना है। ऑन करने के बाद आप इसको जब ऑन करेंगे तो ये इसकी डिस्प्ले चालू हो जाएगी। ये इसमें जो नीचे है, ये टायर प्रेशर सेट करने के लिए रहता है, और ये ऊपर जो रहता है प्रेजेंट टायर प्रेशर, मतलब कि जो आपकी गाड़ी में टायर प्रेशर है वो दिखाएगा। ये लीवर लगाया हुआ है इसमें हमने, एक एयर, अगर ऊपर करेंगे तो आप एयर डाल पाएंगे, और अगर आप इसको नीचे करेंगे तो देखिए इसमें नीचे N2 भी लिखा हुआ है, इसमें N2 आएगी। अब हम बात करते हैं डिस्प्ले की और बटन्स की। ये जैसे आप देख पा रहे हैं, ये फ्लैट टायर है। फ्लैट टायर यूज होता है हमारा कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पंचर गाड़ी आती है, या आपने किसी का पंचर बनाया है, तो उसमें हवा डालने के लिए, क्योंकि जब क्या होगा, हवा नहीं होगी तो सेंसर सेंस नहीं करेगा, तो उस केस में आपको नोजल लगाना है और फ्लैट टायर दबाना है। प्लस माइनस से आपकी जो डिस्प्ले है, आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये सेट टायर प्रेशर को, ठीक है। ये टायर काउंटर रहता है कि अभी तक मशीन के थ्रू आपने कितने टायरों में नाइट्रोजन या हवा डाली हुई है। जैसे ये 7 दिखा रहा है, अभी हम इसको बंद करेंगे, हम इसको ऊपर ले जाएंगे, ये देखिए ये 7 दिखा रहा है, ठीक है। ये PSI और बार में कन्वर्ट करने के लिए रहता है, कि आप PSI में हवा डालना चाहते हैं या बार में हवा डालना चाहते हैं, तो अपने यहाँ जो है वो PSI चलता है। अब मैं आपको गाड़ी में हवा डाल के दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ सेट करता हूँ, जैसे मैं स्कूटर में डाल रहा हूँ तो 30 डालूंगा, और मेरे को नाइट्रोजन डालनी है तो मैं इसको नीचे करूँगा। नीचे करने के बाद ये आप यहाँ देख रहे होंगे, ये टॉप अप और फुल इन्फ्लेशन लिखा है, कि आपको इस गाड़ी में सिर्फ टॉप अप करना है या फुल इन्फ्लेशन करना है। टॉप अप और फुल इन्फ्लेशन होता क्या है, अब जैसे टॉप अप करना है, मेरी गाड़ी में अगर मान लो 30 हवा है और मुझे उसको 35 करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ टॉप अप करूँगा। अब मेरी गाड़ी में अगर मान लो 30 हवा है और मुझे 35 नाइट्रोजन डालनी है, तो मैं क्या करूँगा, फुल इन्फ्लेशन करूँगा, मशीन को सिर्फ N2 मोड पर डालूँगा और यहाँ पर 35 सेट करूँगा या 30 सेट करूँगा, और इसको फुल इन्फ्लेशन पर डालने के लिए मैं सिर्फ ये नोजल ले जाऊँगा, और ये नोजल जो है मैं अपनी गाड़ी के टायर में लगा दूंगा बस। ये आप यहाँ देख रहे हैं, इसको सिर्फ प्लग करना है, ऐसे आप इसको प्लग करेंगे, सामने आप देख पाएंगे कि प्रेजेंट टायर प्रेशर जो है अभी मेरा 14 या 13 दिखा रहा है। अब ये अपने आप कम करेगा और फुल फिल कर देगा। इसमें नाइट्रोजन जो है आप फुल इन्फ्लेशन में यूज कर सकते हैं, टॉप अप में भी यूज कर सकते हैं, और एयर को जो है वो भी आप फुल इन्फ्लेशन में और टॉप अप में यूज कर सकते हैं।
इसमें आप अगर चाहेंगे तो इसमें आपका नाइट्रोजन जो है वो ऑटोमेटिक रहेगी, जैसे आप हवा निकाल के नाइट्रोजन वो ऑटोमेटिक ही डाल सकते हैं। जैसे अभी गाड़ी भी यही करेगी कि इसकी हवा निकालेगी और फिर नाइट्रोजन डालेगी। ये देखिए ये बीप देगा, बीप देने के बाद ये फुल हो जाता है। जैसे अभी आपको दिख रहा होगा इसमें 30 बना हुआ है, अभी ये कम कर रहा है, अभी फिर से फिलअप करेगा क्योंकि अभी हम लोगों ने नोजल लगाया हुआ है। नोजल अगर लूज रहेगा तो वो वापस से भरता रहेगा, कम करता रहेगा। अब आप देख पा रहे हैं कि ये नाइट्रोजन और मेरी गाड़ी में जो है दोनों टायरों में मैं डाल चुका हूँ। ये नोजल मैंने निकाल दिया है, बाकी बस ये लीवर रहता है। अगर आपको एयर डालना है तो आप ऊपर कर सकते हैं, नाइट्रोजन डालना है तो नीचे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।